भारत कनाडा संबंधों पर खालिस्तान का प्रभाव। हाल ही में भारत और कनाडा के बीच तनाव तब बढ़ गया जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने जून 2023 में सरे में भारत द्वारा आतंकवादी के रूप में नामित एक खालिस्तानी नेता की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया। भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कनाडा पर खालिस्तानी चरमपंथियों को पनाह देने का आरोप लगाया। खालिस्तान आंदोलन। खालिस्तान आंदोलन वर्तमान पंजाब, भारत और पाकिस्तान दोनों में एक पृथक संप्रभु सिख राज्य की लड़ाई है। यह मांग कई बार उठती रही है। सबसे प्रमुख रूप से वर्ष 1970 और वर्ष 1980 के दशक में हिंसक विद्रोह के दौरान, जिसने पंजाब को एक दशक से अधिक समय तक पंगु बना दिया था। हालिया भारत विरोधी गतिविधियां। ऑपरेशन ब्लू स्टार वर्षगांठ परेड जून 2023, ब्रैम्पटन ओंटारियो में आयोजित एक परेड में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाया गया, जिसमें खून से सना हुआ एक चित्र प्रदर्शित किया गया और दरबार साहिब पर हमले का बदला लेने का समर्थन किया गया। खालिस्तान समर्थक जनमत संग्रह 2022। खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ ने ब्रैम्पटन में खालिस्तान पर एक तथाकथित जनमत संग्रह आयोजित किया, जिसमें महत्वपूर्ण समर्थन का दावा किया गया। सांझ सवेरा पत्रिका 2002। वर्ष 2002 में टोरंटो स्थित पंजाबी भाषा की साप्ताहिक पत्रिका सांझ सवेरा ने इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाते हुए जिम्मेदार व्यक्तियों का महिमामंडन करते एक कवि चित्रण के साथ उनकी मृत्यु की सालगिरह की बधाई दी। पत्रिका को सरकारी विज्ञापन मिले और अब ये कनाडा का एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र है। ऐसी गतिविधियों पर भारत की चिंताएं। कनाडा स्थित भारतीय राजनयिकों ने कई अवसरों पर कहा है कि सिख उग्रवाद से निपटने में कनाडा की विफलता और खालिस्तानियों द्वारा भारतीय राजनयिकों तथा अधिकारियों का लगातार उत्पीड़न विदेश नीति का एक प्रमुख तनाव बिंदु है। भारतीय प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर कनाडा के प्रधानमंत्री से कनाडा में सिख विरोध प्रदर्शन के विषय में कड़ी चिंता जताई। कनाडा ने भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार संधि पर बातचीत रोक दी है। कनाडा में प्रारंभिक खालिस्तान आंदोलन। खालिस्तान आंदोलन की जड़ें सुरजन सिंह गिल द्वारा वर्ष 1982 में वैंकूवर में सीमित स्थानीय सिख समर्थन के साथ निर्वासित खालिस्तान सरकार के कार्यालय की स्थापना से जुड़ी हैं। पंजाब में उग्रवाद से संबंध। वर्ष 1980 के दशक के दौरान पंजाब में उग्रवाद का असर कनाडा पर पड़ा। पंजाब में आतंकवाद के आरोपी तलविंदर सिंह परमार जैसे व्यक्तियों से निपटने के कनाडा के तरीके की भारत ने आलोचना की थी। एयर इंडिया पर बमबारी 1985। जून 1985 में खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा द्वारा एयर इंडिया के विमान कनिष्क पर बमबारी के साथ कनाडा ने आतंकवाद का एक भयानक कृत्य देखा।